धर्मशाला उपचुनाव के बीच नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी निचले इलाकों से भेदभाव कर रही है। निचले इलाकों में विकास से बीजेपी ने हाथ झाड़ दिए हैं। धर्मशाला दूसरी राजधानी है, इसे कांग्रेस शासनकाल में तत्कालीन सीएम वीरभद्र सिंह ने अधिसूचित किया था। जब भी कांग्रेस सत्ता में आएगी इसे लेकर व्यापक कदम उठाए जाएंगे। उपचुनाव के बीच नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी निचले इलाकों से भेदभाव कर रही है। निचले इलाकों में विकास से बीजेपी ने हाथ झाड़ दिए हैं। धर्मशाला दूसरी राजधानी है, इसे कांग्रेस शासनकाल में तत्कालीन सीएम वीरभद्र सिंह ने अधिसूचित किया था। जब भी कांग्रेस सत्ता में आएगी इसे लेकर व्यापक कदम उठाए जाएंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि धर्मशाला में दूसरी राजधानी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जबकि ये कहना गलत है। यहाँ पर शिमला की ही तरह विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलता है। बीजेपी तो तपोवन स्थित विधानसभा परिसर को अन्य कार्य के लिए उपयोग करना चाहती है। मुकेश ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि धर्मशाला अगर दूसरी राजधानी रहती है तो इसका लाभ कर्मचारियों को भी होगा। मुकेश ने कहा कि कांग्रेस का धर्मशाला से भावनात्मक रिश्ता है। धर्मशाला व शिमला दोनों स्थानों पर स्मार्ट सिटी बन रही है, जबकि सरकार ने इसके लिए मिलने वाली फंडिंग रोक रखी है। अब सरकार 50-50 की बात कर रही है। कांग्रेस के सत्ता में आने पर धर्मशाला में भी वही वेतन व भत्ते देय होंगे जो शिमला में है। मुकेश ने कहा कि बीजेपी ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल भंग करके कर्मचारियों से अन्याय किया है। जो मामले ट्रिब्यूनल में हल होते थे वे हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। मुकेश ने कहा कि बीजेपी सरकार में पिछले दिन पत्र बम खूब चला, लेकिन उसकी जाँच का स्टेटस क्या है ये बात जनता जानना चाहती है। गद्दीबस पैसे बांटने का जो मामला सामने आया उसे देखते हुए हेल्थ मिनिस्टर पर प्रचार से रोक लगनी चाहिए। इन्वेस्टर्स मीट कर रहे हैं और जबकि आप ये हर महीने 1,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रहे हैं, कर्जा लेके आप चला रहे हैं। 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा हिमाचल प्रदेश पे हो गया है और आप 200-250 करोड़ रुपया इस मीट पे खर्चना चाहते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश की जल जमीन जंगल बेचने के लिए, तो हिमाचल फॉर सेल का सेकंड एडिशन जो है आ रहा है, तो उसका उसमें हम देख रहे हैं कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप किसको बुला किसको रहे हैं। आप प्राइवेट बिल्डर्स को बुला रहे हैं, आप रियल एस्टेट वालों को बुला रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स को बुला रहे हैं, तो ज़मीनें बेचने के लिए आप अगर सोचते हैं कि आपके हाथ में सरकार है तो आप जो हैं गैर हिमाचलियों को हिमाचल को बेच देंगे। हिमाचल की नौकरियां जो हैं पहले ही गैर हिमाचलियों को मिल रही हैं और बहुत बड़े इंस्टांसेस ऐसे आ गए जिसमें साफ हो रहा है कि हिमाचल में नौकरियां जो हैं बाहरी लोगों को जा रही हैं। दूसरे ऊपर से आप ज़मीनें भी बेच देंगे, तो कांग्रेस पार्टी जो है इन सब चीज़ों पर नज़र बनाए हुए है। सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि सरकार अधिकारियों के दम पर चुनाव जीतना चाहता है। पत्र बम में जो भ्रष्टाचार की बातें लिखी गई थी उनका क्या हुआ, ये जांच का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोगों के द्वारा जिस तरीके से पत्र बम के रूप में एक पत्र जारी हुआ था और उस पत्र बम के जो जारी हुआ उसको लेकर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और इन्होंने अपने ही एक पूर्व मंत्री का मोबाइल भी जब्त किया, उसको तलब भी किया और उसमें जो जो गंभीर आरोप लगाए थे अभी तक तो लोगों को पता नहीं लग रहा है कि 2 महीने में उन्होंने उसकी रिपोर्ट ही नहीं सबमिट करी। लोगों को पता लगना चाहिए कि सरकार के ऊपर, सरकार के मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे हैं तो उसकी सार्वजनिक जो है वो रिपोर्ट जानी चाहिए थी। और उसके बाद अब बाई इलेक्शन में जिस तरीके से नोट बढ़ने की जो यहाँ पर चर्चाएं हैं, आज जो मीडिया ने सब अखबारों ने रिपोर्टिंग करी है कि यहाँ पर पैसे बांटे जा रहे थे, लोग वहाँ से भागे और लोगों को पकड़ा गया, तो इस तरीके से ये चीज़ें सच्चाई की ओर संकेत कर रही हैं। उस पत्थर बम की सच्चाई भी उसमें लग रही है कि यहाँ पर मामला गड़बड़ नहीं, दाल में काला नहीं बल्कि दाल काली लग रही है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।